Hello friends, now in today's video we are going to learn about the maxima and minima value of the given function f of x. So now consider the graph of the both the functions f of x for the maxima and f of x for the minima. यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो ग्राफ है मैक्सिमा में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू जो भी एफ ऑफ एक्स रहेंगे वो सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे. तो इसमें होता क्या है कि ये द फंक्शन एफ ऑफ एक्स द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू सी. तो यहाँ पे जो नेबरहुड वैल्यू जो रहेंगी उसकी सी की वो कौन सी रहेंगी, दोनों एक सी माइनस डेल्टा और दूसरी सी प्लस डेल्टा. ठीक है, इसके बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी के लिए मैक्सिमम रहेगी. सो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये फंक्शन ट्रैवल कैसे करता, देखिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इंक्रीजेस फ्रॉम सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, इंक्रीजेस अप टू सी एंड देन डिक्रीजेस अप टू सी प्लस डेल्टा. ठीक है, तो इस एफ ऑफ एक्स ये जो रहेगा ये लेस देन ऑफ एफ ऑफ सी. आप समझ सकते हो कि एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर इधर आ गया नीचे में, तो यहाँ पे इसका जो है सी पॉइंट के लिए एफ ऑफ सी जो रहेगा इट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स. ओके, और ये मिनिमम वैल्यू जो कैसे रहेंगे उसको देखिए. और यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू, तो ये इसका सी जो है वो मिनिमम वैल्यू एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी के लिए. तो यहाँ पे सी पॉइंट के लिए ये मिनिमम वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की. तो ये देखिए ये कैसा है कि नेबरहुड वैल्यू कौन सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, तो सी माइनस डेल्टा की तरफ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और इस पॉइंट से फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है एफ ऑफ एक्स ऊपर में. तो ये एफ ऑफ एक्स क्या रहेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन दिस एफ ऑफ सी. ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए और ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको समझ में आएगा. अब इसमें ये दोनों में टेस्ट होती है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पे देखेंगे. दो टेस्ट है इसके, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है यहाँ पे. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ आपका सपोज वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, तो ये है मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू सी के लिए. ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये सी सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो रहेगा. दूसरी कंडीशन में दूसरी टेस्ट में एफ डैश ऑफ सी माइनस एच, तो सी माइनस एच समझ सकते हो आप इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंक्रीमेंट सी माइनस एच ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, तो इससे जीरो से ये हाँ. उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें लेते हैं हम, तो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इज लेस देन जीरो वेयर द स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब ये एच जो है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर या आप स्मॉल इंक्रीमेंट कंसिडर कर किया जा सकता है. और ये मिनिमम के लिए क्या रहेंगे, फिर अगेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी के लिए मिनिमम रहेंगे वैल्यू. यहाँ पे इफ फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, दूसरे में एफ डैश ऑफ सी प्लस एच सॉरी सी माइनस एच ये लेस देन जीरो उल्टा रहेगा, और थर्ड पॉइंट में एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे भी एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो आप समझ सकते हो. ये देखिए आप और एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो एफ सी पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसे होता है कि एक पॉइंट पे आने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ डैश एफ ऑफ सी. सेम हियर, यहाँ पे ये जो है मिनिमम वैल्यू के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके फिर वो ऊपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ सी से बड़ा रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी. उसके बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले रहे हैं वो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू सी के लिए रहेगा. तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो रहेगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो रहेगा. उसके बाद इस नेबरहुड वैल्यू के लिए एफ डैश ऑफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच एस के लिए लेस देन जीरो रहेगा. इधर अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश ऑफ सी इस पॉइंट पे जीरो डेरिवेटिव रहेंगे आप स्लोप यहाँ पे, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन जीरो. ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन जीरो, ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इधर रहेंगे.
उसके बाद यहाँ पे ये जो है पहला पॉइंट ले, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये मैक्सिमा के लिए क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो देखिए। अब फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ये कौन सा मैक्सिमम, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी के लिए। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपका वैल्यू जो है इस तरह से ये रहेगा। और इधर क्या रहेगा, अगेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी है, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0। तो ये है, ठीक है। तो ये कैसा है कि आप ये दोनों समझ लीजिएगा। इसमें एक बात ऐसा है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हम तो निकाल लेंगे, पर एफ डबल डैश सी, अगर एफ डैश सी 0 है तो एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाती है। ये भी आप एक बात ध्यान में रखिएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करना है। अभी हम एक्सरसाइज 2.4 में जो एग्जाम्पल्स है मैक्सिमम और मिनिमा के वो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो इस 2.4 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिए गए जो एग्जाम्पल्स है उसमें एग्जाम्पल ऐसे है, डिटरमाइन द मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें एक्सरसाइज में, तो वह है एफ ऑफ एक्स इक्वस टू ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आपने अभी देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू के टेस्ट हम कैसे करेंगे और मिनिमम वैल्यू के टेस्ट कैसे करेंगे। पहले एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या एफ ऑफ एक्स मैक्सिमा के लिए लेस देन एफ ऑफ सी होता है, मैक्सिमा के मिनिमा के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होता है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, उधर भी एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी प्लस एस सी माइनस एस, और यहाँ पे सी प्लस एस सी माइनस एस दोनों की हमने टेस्ट देख लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश ऑफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन 0 होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मिनिमा के लिए एफ डैश ऑफ सी माइनस एच लेस देन 0 होता है, वैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा के लिए एफ डैश ऑफ सी प्लस एच लेस देन 0 होता है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ डैश ऑफ सी प्लस एच मिनिमा के लिए वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो वैसे ही एफ डबल डैश सी लेस देन 0 होता है मैक्सिमा के लिए, और एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए होता है। तो ये आप दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दोनों देखेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में, इसमें देखिए सबसे पहले एग्जांपल लिख लीजिएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वस टू ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 21x²
प्लस 36x प्लस 20, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ओके, प्लस ज़ीरो। तो और इसका तो एफ डबल डैश जो रहेगा वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसका एफ डबल डैश निकाल लेता हूँ। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये 12x माइनस 42, ठीक है। तो इस तरह से एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी निकाल लिया हमने। तो इस एफ डैश ऑफ एक्स को देखते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ से अभी आपका जो टेस्ट है वो क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है। और तो एट एक्स इक्वस टू क्या है, एट एक्स इक्वस टू सी, इसके लिए हमारा वैल्यू मैक्सिमम जो है वो हम देखते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वस टू जीरो, आई इक्वेट दिस, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स कॉन्स्टेंट निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं हम, तो फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो इसमें हम 1 इंटू 6 6, तो 6 इंटू 1 जो भी हम 7, यहाँ पे इसके दो फैक्टर निकालेंगे, 6 इंटू 1 ऐसे फैक्टर निकलेंगे, 6 इंटू 1 6 हो गया। अभी 6 प्लस 1 7 माइनस 7, तो माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा x माइनस 6 सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो इसके वैल्यू हो गया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। तो ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। तो नाउ फॉर x इक्वल टू 1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो f डबल डैश देखेंगे हम, तो f डबल डैश ऑफ 1, यहाँ पे सबसे पहले देखो f डबल डैश ऑफ 1, तो यहाँ पे 12 इंटू 1 हो गया माइनस 42, तो आपकी वैल्यू हो गई माइनस 30, इट इज लेस देन जीरो। तो ये अभी हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे था कि f डैश ऑफ c प्लस एच फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वो लेस देन जीरो है। तो ये हमारा कैसा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। आप अभी टेस्ट देखे थे, तो डैश ऑफ एफ डबल डैश जो है वो लेस देन जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे इसको, तो वो लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू के लिए, वन के लिए। तो नाउ देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो इसकी एक्स इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की क्या रहेगी वो देखना है, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ 1 जो रहेगा, एफ ऑफ 1 आपको एफ ऑफ एक्स जो दिया गया इसमें 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, ओके। इस तरह से एग्जांपल ये रहेंगे, सब सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो मिलेंगे वो देखिए, ये 2 इंटू 1 का क्यूब 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, तो देखिए 36 प्लस 38 हो गया, एडिशन पॉजिटिव का कर दो, 21 प्लस 20 माइनस 41 हो गया। तो ये एफ ऑफ 1 जो है इज इक्वल टू, ये मिल गया आपको माइनस 3, ठीक है। तो ये माइनस 3 वैल्यू हो गया। तो ये कौन सी है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 जो भी है आपके वैल्यू, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इज मैक्सिमम वैल्यू,
एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए मैक्सिमम है। देन एट एक्स इक्वल टू सिक्स के लिए देखेंगे, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू रहेंगी, मिनिमम वैल्यू रहेंगी वो देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, एफ डबल डैश ऑफ सिक्स इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव में देखेंगे 12 × 6 − 42, तो यहाँ पे हो गया 72 − 42, दैट इज इक्वल टू आपका इसमें देखिए 30 + 30 इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए इसमें तो आपको समझ में आएगा ये 30 मतलब एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम वैल्यू है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने जो टेस्ट देखे उसमें। तो यहाँ पे इधर समझ लीजिए इसको, आफ्टर दैट इसका ये मिनिमम वैल्यू हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेंड्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर एफ ऑफ सिक्स कंसिडर करेंगे अटेंड्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सिक्स के लिए मिनिमम है, ठीक है, तो एफ ऑफ सिक्स जो है हम यहाँ पे सिक्स लिखेंगे 2 × 6³ − 21 × 6² + 36 × 6 − 20। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6³ = 6, 6 = 36, उसके बाद उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा पूरा कैलकुलेशन, तो इसको 2 × 6³ कर देंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 2 × यहाँ पे 6 का क्यूब 36 × 6 आपका तो 216 ऐसा रहेगा, ठीक है, −21 × 36 × यहाँ पे 216 अभी जो हमने कैलकुलेट किया −20, तो ये इसका वैल्यू हो गया है 432 सेवन, ये इसको मल्टीप्लाई कर 26 756 इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 216 तो ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा +216 − 20, तो इसका जो वैल्यू है पूरा आएगा कैलकुलेट करने के बाद −128, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है तो ये −128 इज लेस देन, अभी यहाँ पे ये जो आप कैलकुलेट किए हैं इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, इसको 432 + 216 पे 648 लिखता हूँ मैं पॉजिटिव 648 −756 − 20 = 776 −648 तो −128 इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो ये मिनिमम जो वैल्यू आपका दिया गया है तो −128, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है दोनों तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो ये है इज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सिक्स के लिए ये मिनिमम वैल्यू रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा x = 3 f(1) के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू,
और माइनस थ्री, और यहाँ पे एफ ऑफ सिक्स के लिए ये मिनिमम वैल्यू तो -128। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका यहाँ पे दोनों वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ वन के लिए -3 और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ सिक्स के लिए -128, इस तरह से हमने दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारा फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है उसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको हम देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके एक्स टू द पावर -2 लिख देते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट ट्वाइस एक्स -2 इंटू 16, 32 एक्स टू द पावर -3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसको मैं और इसका आपके और रियल फॉर्म में 2x माइनस ये लिख दिए 32 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और इसका डबल डेरिवेटिव, या उसको ऐसे भी रख ये, चलो ठीक है, इसको इसका डबल डेरिवेटिव निकल एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 32 इंटू 3, 3 टू ज़ा 6, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3 सामने आ जाएगा, 3 और 32, 3 टू ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 96 एक्स टू द पावर -4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 96 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इस तरह से हमने इसको राइट डाउन कर दिया। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, पहले फर्स्ट इसके लिए देखिए, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स क्यूब या ट्वाइस एक्स -32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे आपका देयर फोर ट्वाइस एक्स इक्वल टू 32 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करते तो 2x क्यूब 2 से डिवाइड कर 16 हो गया, तो x टू द पावर 4। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है x टू द पावर 4, देखो x क्यूब इंटू x, x टू द पावर 4, ये 2 इधर चला गया, 32 अपॉन 2 हो गया, तो इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू सीधा सीधा सिंपल है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो आपको देयर फोर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है। अभी एफ डबल डैश ऑफ 2 के लिए निकालते, एक 2 है और दूसरा -2 है, एक प्लस 2, तो एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू इसमें रखेंगे 2 प्लस 96 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 16। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो सो 16। अब इसमें 2 प्लस 96 अपॉन 16, तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा 6 रहेगा, 6 प्लस 2 8, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये अब ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, अभी हमने देखा था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो डबल डे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो क्या रहता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है, तो वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेंड्स मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए मिनिमम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 जो रहेगा मिनिमम वैल्यू क्या रहेंगे उसकी देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इसमें रख दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16 अपॉन 4,
फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो ये एट है, कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स की। अभी फॉर एक्स इक्व टू माइनस टू इसके लिए देखिए, आप समझ रहे होंगे अभी ये मिनिमम वैल्यू है इसका, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना पड़ेगा। एफ डबल डैश ऑफ माइनस टू इसमें रखेंगे डबल डैश टू में, इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे प्लस टू इक्व टू 96 अपॉन एक्स टू द पावर फोर, यानी माइनस टू टू द पावर फोर। तो ये हो गया टू प्लस 96 माइनस माइनस, यहाँ पे इवन नंबर है तो माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 16, ये 96 है। तो अगेन यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रहेगा, टू प्लस 96 इक्वल्स टू एट। अभी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, एट ग्रेटर देन जीरो। तो अगेन एक्स एफ ऑफ एक्स अटेंड्स मिनिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अटेंड्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो ये देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू, हाँ। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज ओनली मिनिमम वैल्यू एट एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू के लिए। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे ये नाइन्थ नंबर का एक्सरसाइज एग्जाम्पल था, नाइन्थ में से। अभी हमारा टेंथ एग्जाम्पल जो है, देखिए टेंथ एग्जाम्पल क्या कहता है, डिवाइड द नंबर 30 इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, डिवाइड द नंबर 30 इंटू टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इनको प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें द गिवन नंबर क्या है वो देखिए, गिवन नंबर है 30, ठीक है। तो कंसीडर या लेट एक्स बी द वन पार्ट एंड वाई बी द सेकेंड पार्ट, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 30, तो वाई का वैल्यू हो गया है 30 माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल गया। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एक्स इंटू वाई इज एक्स एक्स वाई रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एक्स वाई रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू देखिए 30 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से वैल्यू रहेंगे। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स जो भी टेस्ट है उसके वो देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू जीरो, पहली टेस्ट देखो। तो अकॉर्डिंग टू दैट एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टेस्ट के लिए अभी आप देखिए, इसका जो ये है एफ ऑफ एक्स 30x, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, ठीक है। इस तरह से
और एफ डबल डैश क्या रहेंगे इसका, इज इक्वल टू ओनली माइनस टू, ठीक है, 30 का डेरिवेटिव जीरो और 2x माइनस टू एक्स का माइनस टू. नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ये है, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो 30 माइनस टू एक्स, 30 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, 30 उधर चला गया माइनस, तो x का वैल्यू हो गया 15, x का वैल्यू कितना 15. तो फॉर x इक्वल टू 15 एफ डबल डैश ऑफ 15, एफ डबल डैश ऑफ 15 इसमें रख, इसमें यहाँ पे आपको रखना है, तो ये माइनस टू इज लेस देन जीरो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया. तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश ऑफ, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ 15 आल्सो लेस देन जीरो, ठीक है. तो हमारा जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट के लिए वो 15 ही रहेगा, क्योंकि ये हमने मैक्सिमम की कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव में एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहा तो मिनिमम रहेगा. देयरफॉर एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 15, ठीक है. देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो एक्स का लुक 30 डाल दीजिए, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आल्सो 15, ठीक है. मतलब 15 30, एक्स का 15 डाल दिए, 15 इधर माइनस हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है. तो एक्स इक्वल टू 15 और वाई इक्वल टू 15, ये दोनों पार्ट्स हमने हमने यहाँ पे एक्स और वाई के इसमें कैलकुलेट कर लिए, ठीक है.